सवा साल में ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार से नाराज विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त को अंजाम देना चाहती है, जिसके लिए विधायकों को 30 से 35 करोड़ तक के ऑफर दिए गए हैं। दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ सरकार अंतर विरोध और अंतर कलह का शिकार है। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ से चल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार राज्यसभा चुनाव से पहले मुश्किल में है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हरियाणा के नू और कर्नाटक के बेंगलुरु में करीब 8 कांग्रेस विधायकों को रखा गया है। ये वो विधायक हैं जो कभी भी कांग्रेस की सरकार गिरा सकते हैं। एक आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस और उससे जुड़े 14 विधायक कमलनाथ सरकार से नाराज हैं और ये कभी भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर कांग्रेस के नेता इन अफवाहों को खारिज कर रहे हैं कि सरकार पर कोई संकट है, लेकिन इन नेताओं का आरोप है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। जो सब जगह आज वायरल है कि बहुत से विधायकों ने किडनैप कर लिया है, इनके फोन ले लिए हैं, और जब ये स्थिति पता चली तो कल दिग्विजय सिंह जी और हमारे मंत्री पटवारी जी और जयवर्धन सिंह और तरुण भानोट वहाँ गए, तो 3-4 लोगों को बंधक से उनको छुड़ा के ले आए। और ये एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकार को अस्थिर, कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करने का था, और इसमें उन्होंने 35 करोड़ रुपये देने के एक एक विधायक को ऑफर दिए और मंत्री बनाएंगे। भाजपा का इस मसले पर साफ कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। यूं तो 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से आशंका जताई जा रही थी कि कमलनाथ सरकार कभी भी जा सकती है, लेकिन बीते दिनों घटनाक्रम में तेजी आई और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे बड़े नेताओं को मोर्चे पर आना पड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा ने कांग्रेस, बसपा और सपा विधायकों को दिल्ली जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बसपा विधायक रामबाई को क्या भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चार्टर फ्लाइट में भोपाल से दिल्ली ले गए हैं? शिवराज जी कुछ कहेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा दोनों में ये तय हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए दोनों मिलकर विधायकों की तोड़ फोड़ में जुटे हुए हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। सर आपका सवाल, उसमें 3 कांग्रेस के थे। वो जो चार्टर प्लेन था 9 सीटर, जिसमें शिवराज सिंह जी सारे विधायकों बेंगलोर भेजकर मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले थे, वे उनका एक नीरज वशिष्ठ, उनका पीएस और एक का गनमैन, ये बेंगलोर की बजाय अब भोपाल पहुंच गए। अब आप इस बात में समझ सकते हैं कि क्या हाल है। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ को ब्लैकमेल करने के इरादे से दिग्विजय सिंह ऐसे आरोप लगा रहे हैं, यह उनकी आदत रही है। उनके कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए अपना महत्व बताने के लिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कमलनाथ सरकार अंतर विरोधी अंतर कलह का शिकार है। ये कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार है, ये अपने अंतर विरोध और अंतर कलह से ग्रसित है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकार में उनके अपने अंदर विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के किसी भी जो आरोप प्रत्यारोप करने का जो प्रयास है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसके बारे में प्रामाणिक रूप से बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम है, जो मैंने अभी फौरी तौर पर समझा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सरकार सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनती है, ऐसी सरकारों का यही हश्र होता है जिस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही हैं। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना एक अलग बात है, और सुशासन के उद्देश्य से सरकार चलाना एक अलग बात है। हमने पहले भी कहा है
हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। तो उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पर लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इससे पहले 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा से बड़ी खबर आई। आईटीसी ग्रैंड मानस होटल में कांग्रेस के 4 बसपा के 2 और अन्य विधायक के साथ होटल मराठा में मिले। इनकी भनक लगते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ हरकत में आए और अपने 4 मंत्रियों को ताबड़तोड़ दिल्ली भेजा और विधायकों को भाजपा के कब्जे से मुक्त करवाया। मंगलवार देर रात मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह गुरुग्राम के होटल से बसपा विधायक रामबाई को अपने साथ बाहर लाए। पटवारी आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें बंधक बना रखा था। यह भी आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ अन्य विधायकों को भी भाजपा ने अपने पास बंधक बना रखा है। कांग्रेस या उसको समर्थन दे रहे कुल 8 विधायकों के बागी होने की सूचना है। 4 विधायक हरियाणा और 4 विधायक बेंगलुरु में होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ सरकार के कुल 14 विधायक नाराज चल रहे हैं, जिन पर भाजपा की नजर है। इधर कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने विधायकों से कहा कि कोई पैसा देता है तो ले लो और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है और उसका ही परिणाम है ये, क्योंकि सबको मालूम है कांग्रेस के विधायकों की उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कमलनाथ जी और कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि जितने वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जो भी हो रहा है ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और कांग्रेस के विधायकों का फ्रस्ट्रेशन है, और सरकार और कमलनाथ जी के प्रति गुस्सा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।